नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपराज पांडे। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल आरसीएन न्यूज चैनल। आरसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से आपको आपसे संबंधित सारी जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं। आज हम बात करेंगे आपसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर क्या है। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पीसीए 2018 की प्रारंभिक परीक्षा भी विवादों के घेरे में आ गई है। आयोग की ओर से उत्तर कुंजी गलत जारी किए जाने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग ने अपनी गलती मानते हुए जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की है उस हिसाब से तमाम अभ्यर्थी कटाव से अधिक अंक पा रहे हैं, लेकिन आयोग ने उन्हें मेरिट से बाहर करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी अब नए परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिससे जो अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं उन्हें दोबारा चयन मिल जाए और मेंस का एग्जाम दे पाए। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक मामले सामने आने के बाद आयोग की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई भी सक्रिय हो गई है। आयोग के कुछ कर्मचारियों को सीबीआई मुख्यालय तलब कर लिया गया है, साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मंगवाए गए हैं। हालांकि सीबीआई उन परीक्षाओं की जांच कर रही है जो अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक आयोजित की गई है। इसके अलावा अपर निजी सचिव APS परीक्षा 2010 की जांच के लिए सीबीआई को अलग से अनुमति प्रदान की गई है। सीबीआई की ओर से पीसीए 2015 में धांधली को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। हालांकि जांच का नेतृत्व कर रहे IPS अधिकारी राजीव रंजन का तबादला हो गया है, जिससे जांच की गति धीमी पड़ गई है। लेकिन LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में धांधली का मामला सामने आने के बाद सीबीआई फिर से सक्रिय हो गई है। सूत्रों का कहना है कि आयोग के सिस्टम एनालिस्ट सामने आ गए हैं। कुछ समेत अन्य कर्मचारियों को सोमवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली स्थित मुख्यालय तलब कर लिया गया है। कर्मचारियों को कुछ परीक्षाओं से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। सीबीआई इन दस्तावेजों का परीक्षण करेगी। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि सीबीआई ने जो दस्तावेज मंगवाए हैं उनमें LT ग्रेड परीक्षा से संबंधित अभिलेख हैं या नहीं हैं। जो जानकारी होगी आरती न्यूज चैनल सबसे पहले आपको देगा। तो आइए अब आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षा स्थगित हो चुकी है और पहले से चल रही परीक्षाओं के परिणाम को लेकर भी संशय बना हुआ है। लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। आयोग फिर पुराने ढर्रे पर लौटता नजर आ रहा है और ऐसे में परीक्षाओं के सत्र कई साल पीछे जा सकते हैं। आयोग ने जुलाई से दिसंबर तक के अर्धवार्षिक कैलेंडर को स्थगित कर दिया है। इस कैलेंडर की परीक्षा अब अगले साल ही आयोजित की जा सकेगी, लेकिन आयोग के लिए इससे बड़ी चुनौती पिछली परीक्षाओं का परिणाम जारी करना है। अभ्यर्थियों ने पिछले साल 29 जुलाई को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी। एक साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक प्रमुख विषयों के परिणाम घोषित नहीं हो पाए हैं, जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं। वहीं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का पेपर आउट होने का मामला सामने आने और परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी के कारण परीक्षा में शामिल हुए 4 लाख अभ्यर्थी की स्थिति ओहोपोह की बन गई है। LT ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती पूरी होगी या नहीं, इस पर भी अब संशय बना हुआ है। अब आइए अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। अगली खबर है कि परीक्षा में धांधली के बाद, ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही खबर है। परीक्षा में धांधली के बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला सामने आ चुका है। पेपर लीक मामले में STF ने परीक्षा नियंत्रक
को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन धांधली के बावजूद कई विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले और तमाम पद खाली रह गए। एलटीकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 10,768 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा पिछले साल 29 जुलाई को आयोजित की गई थी। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले पेपर आउट हो गया था और इसी वजह से एसटीएफ ने आयोग को पत्र जारी कर परिणाम रोकने के लिए कहा था। इसके बावजूद आयोग ने विषयवार रिजल्ट घोषित करना शुरू कर दिया। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि पेपर आउट होने के बावजूद तमाम पद खाली क्यों रह गए। आयोग ने परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित कर रखे थे, लेकिन पेपर आउट होने के बाद की स्थिति इसके खास मायने नहीं रह गए थे। हालांकि आयोग ने जब विषयवार परिणाम देना शुरू किया तो कई पद इसलिए खाली रह गए कि परीक्षा में शामिल तमाम अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक भी हासिल नहीं कर पाए, जिसके कारण कई जो है पद खाली रह गए। अब आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है मल्टीटास्किंग अर्थात कर्मचारी चयन आयोग की। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती के लिए दावेदारी करने वाले भारी संख्या में बीटेक एमबीए एमसीए डिग्री वाले युवक प्रोफेशनल शामिल हैं। सरकारी नौकरी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जिस भर्ती के लिए उच्च शिक्षित युवाओं की भीड़ आवेदन के लिए मारामारी कर रही है, इस पद के लिए पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 तय किया गया है। इस पद की नौकरी की शुरुआत करने वाले युवाओं को लगभग 18,000 वेतन मिलेगा या निजी क्षेत्र में समान बीटेक एमबीए को मिलने वाले वेतन के लगभग बराबर ही है। एमटीएस की नौकरी सरकारी और अस्थाई होने के चलते इस भर्ती में युवाओं का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। अब आइए अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे घमासान मच चुका है। परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी और पेपर आउट का मामला जब से सामने आया है अभ्यर्थी बहुत चिंतित हैं, वहीं कुछ अभ्यर्थी उग्र भी हैं। अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज भी हो रहा है, अभ्यर्थियों को परेशान भी किया जा रहा है। अब ऐसा लगता है जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका रिजल्ट आने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि 6 महीना तक कोई भी परीक्षा आयोजित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाएगी। क्या आपको लगता है जितनी भी भर्तियां फंसी हुई हैं जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी? मैं आपको बता दूं, जितनी भर्तियां फंसी हुई हैं वह 2022 तक जाएंगी। 2022 चुनाव आने वाला है विगत 2 वर्षों में और इन भर्तियों को पूरे होने में 2 वर्ष लग जाएंगे। तो दोस्तों, यह चुनाव का नज़ारा देखिए, इधर पेपर लीक कांड को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कैसे मिलेगा युवाओं को रोजगार? क्या युवाओं को वास्तव में पकौड़ा तलना पड़ेगा जो कहा गया था? तो आइए अब अगली खबर के बारे में जान लेते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बहुत सी परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं, परिणाम घोषित किए जाने का नाम नहीं लिया जा रहा है, अभ्यर्थी परेशान हैं। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं अर्थात लैब टेक्नीशियन के जो अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन हो रहा है। आखिरकार क्या जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी आयोग लालीपाप देगा या 20 जून के पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा? या तो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ वीडियो एग्जाम 2018 की जो परीक्षा 22 और 23 दिसंबर 2018 को हुई थी उसका भी परिणाम फंसा पड़ा है। जो सूचना प्राप्त हुई कि 25 जून 2019 के परिणाम पहले परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि परिणाम बनकर तैयार है, बस घोषित करना है, तब भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। अगर परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने में 6 महीने 8 महीने सालों लगेंगे तो बताइए कई परीक्षाएं होंगी
और उनके परिणाम आने में कितने वर्ष लग जाएंगे, क्या 2022 के चुनाव का इंतजार है। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आरसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।